Hello students, so this is the part 1 of session 3, working with tables. Okay, this is the unit 4 and session 3, and in this session 3, this is the part 1. In this part, we will learn about inserting a table, कि एक टेबल हम कैसे इंसर्ट करते हैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में, एंटरिंग डेटा इन द टेबल, और उस टेबल के अंदर हम डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें सीखेंगे. सो लेट स्टार्ट अवर टूडेज वीडियो. सो यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है आपके लिए, और एक स्लाइड है बाय डिफॉल्ट जो आती है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टेबल इंसर्ट करनी है. तो इस टेबल इंसर्ट करने का जो एक आसान सा मेथड है, एक तो है होम टैब में ही यहाँ स्लाइड्स ग्रुप के अंदर लेआउट ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा. तो जैसे ही मैं लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, डिफरेंट लेआउट्स नज़र आते हैं. तो ये सेकंड लेआउट है टाइटल एंड कंटेंट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ. जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है इसके अंदर मुझे डिफरेंट आइकन्स नज़र आएंगे. इसी में फर्स्ट आइकन है इंसर्ट टेबल. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने अपीयर हो जाता है. इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकता हूँ. जैसे 2 की जगह मैंने 4 कर दिया, तो कॉलम्स 5 हैं, रोज 4 हैं. ओके किया तो एक टेबल इंसर्ट हो गई है जिसमें 5 कॉलम्स हैं. कॉलम्स कौन से होते हैं, जैसे ऊपर से नीचे जो वर्टिकल कलेक्शन होता है सेल्स का, वो क्या कहलाता है, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, और रोज 1, 2, 3, 4. सो दीज 4 आर दी रोज. ओके, एंड जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको बीच में बहुत सारे, इसके अंदर ये क्या कहलाती हैं, सेल्स कहलाती हैं. ठीक है, तो सेल्स की अगर डेफिनेशन बोले तो हम क्या बोलेंगे, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम. जब भी देखो कोई भी रो या कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके उन दोनों के इंटरसेक्ट करने से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, और वो बॉक्स क्या कहलाता है, सेल. जैसे देखो मैं इस बॉक्स को देखूं, ये वाला कॉलम और ये वाली रो यहाँ पे इंटरसेक्ट की तो एक कॉलम बना, और ये कॉलम क्या एक बॉक्स बना, और ये बॉक्स क्या कहलाएगा, सेल. ठीक है, तो इस प्रकार हमारी टेबल बन चुकी है. अब इसी के और भी मेथड है, मैं एक बार अंडू कर देता हूँ. मैंने अंडू किया तो ये टेबल यहाँ से रिमूव हो गई है. दूसरे मेथड से मैं इंसर्ट टैब में क्लिक करके टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे टेबल ग्रिड है. इस टेबल ग्रिड पे भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कितनी रोज एंड कॉलम्स चाहिए. जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा उतनी रोज कॉलम्स की एक टेबल बन जाएगी. दूसरा मेथड है यहीं पर इंसर्ट टैब में जाके, यहाँ टेबल ग्रिड के अलावा फिर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, जो वही सेम ऑप्शन है जो यहाँ पर भी आया था आइकन में. ठीक है, तो मैं इंसर्ट टेबल पर क्लिक करता हूँ तो वही आ जाएगा रोज एंड कॉलम, जितने भी आप एंटर करोगे ओके करोगे तो उतनी ही रोज एंड कॉलम्स की एक टेबल बन जाएगी. तो मैं फिर से अंडू कर देता हूँ. सो वन मोर मेथड, इंसर्ट टैब में ही टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन आया है. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरा माउस पॉइंटर है वो एक पेंसिल की शेप में चेंज हो गया है. ठीक है, जब ये पेंसिल की शेप में चेंज हो जाए तो माउस को ड्रैग करना है, तो मैंने ऐसे ड्रैग किया तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा, ये टेबल का बॉर्डर बन गया, आउटर बॉर्डर. उसके बाद आप इसको मूव करा के कहीं भी ले जा सकते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर सेल्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हो, हमने पीछे भी कई मेथड से किसी भी मेथड से आप टेबल इंसर्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ऊपर टेबल टूल्स अपीयर हो जाते हैं. ठीक है, या तो आप टेबल को सिलेक्ट करते हो या जैसे ही नई क्रिएट करते हो तो उस वक्त, ओके, क्योंकि वो अपने आप सिलेक्ट होते हैं टेबल, तो ये दोनों टैब्स आ जाएंगे. तो इस टैब में फर्स्ट जो दो टैब हैं, डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप के अंदर ड्रॉ टेबल ऑप्शन है. इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर से जो माउस पॉइंटर है वो पेंसिल की शेप में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद आपको जहाँ भी क्या करना है, कोई भी कॉलम या रो बनाने हैं आप सिंपली इस पेंसिल को ले जाइए जहां से स्टार्ट करना है, फिर लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और पेंसिल को आगे की तरफ बढ़ाइए, तो ऐसे जो लाइंस हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं जिससे रोज एंड कॉलम्स बनते जाएंगे. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. जब आपका पेंसिल का काम पूरा हो जाए, मतलब टेबल आपकी पूरी बन जाए, तो आप ड्रॉ टेबल पर दोबारा क्लिक कर सकते हैं, आपका पॉइंटर है वो सिंपल पॉइंटर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो अब
बात करते हैं कि आपने टेबल बनाई, वो किसी भी मेथड से बनाई, उसके बाद आप इस टेबल में क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेल में जाना पड़ेगा। अब अगले अलग अलग सेल में जाने के जो तरीके हैं, सबसे आसान तो है माउस। माउस से आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, उसी सेल में आपका जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो पहुंच जाएगा। जैसे मैं इस सेल में क्लिक करता हूं तो कर्सर यहां आ गया, इस सेल में क्लिक करता हूं तो कर्सर यहां आ गया, ठीक है। तो जहां भी मैं क्लिक करता हूं तो उसी सेल में कर्सर चला जाता है। तो फर्स्ट सेल में क्लिक किया, मैंने टाइप कर दिया नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल में मुझे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ या एरो की से भी जा सकता हूँ। जैसे मैंने राइट वाली एरो की दबाई तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हिंदी, ओके। अब नेक्स्ट सेल में जाना है तो फिर से मैं राइट एरो का भी यूज कर सकता हूँ या फिर टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं। टैब बटन मैं प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट सेल में पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग सेल्स में जा सकते हैं। एरो की का यूज कर सकते हो, चार एरो की होती है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो अप एंड डाउन से आप अप और डाउन जाएंगे और लेफ्ट और राइट से लेफ्ट और राइट में जाएंगे, मूव करेगा आपका कर्सर। तो इस प्रकार आप अलग अलग सेल में मूव कर सकते हैं, ठीक है। टैब से आप लगातार कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते जाएंगे। जैसे मैंने टैब दबाया नेक्स्ट सेल, अब भी अगर मैं टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट रो है उसकी फर्स्ट सेल, जैसे ये सेल, जैसे मैं अभी टैब दबाता हूँ, टैब बटन मैंने प्रेस किया तो इस सेल में आ गया, फिर आगे आगे आगे, तो इस तरीके से मैं आगे आगे चलता जा रहा हूँ, ठीक है। वापस जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं। शिफ्ट प्लस टैब से बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूँ, ओके। तो टैब बटन का यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस टैब का और एरो कीज का, और डायरेक्ट माउस क्लिक भी कर सकते हैं। एक टैब का एक यूज और भी है, अगर आप टेबल की लास्ट सेल में हैं और वहां से अगर आप टैब बटन प्रेस करते हैं, जैसे मैं अभी टैब बटन प्रेस करता हूं, तो क्या होगा, एक और नई रो क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक नई रो, अगर आपको और चाहिए तो लास्ट सेल में जाइए, वहां टैब बटन प्रेस कीजिए तो टेबल के एंड में एक और सेल ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऐड भी कर सकते हैं कोई भी रो, ओके। अब ऐसे ही आपने नेम हिंदी टाइप कर लिया, यहां पे इंग्लिश टाइप कर दिया, ओके, मैथ्स टाइप कर दिया। अब आपको बाद में ध्यान आया कि नहीं, इस हिंदी और इंग्लिश के बीच में या इंग्लिश और मैथ के बीच में आईटी सब्जेक्ट भी लेना था, ओके, बट उसके लिए तो आपने स्पेस ही नहीं छोड़ा। तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जिस सेल में आपको, जिस सेल, जैसे ये दो सेल, इनके दोनों के बीच में चाहिए, तो मैं इस सेल पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेट अ मिनट, डिलीट रो, इंसर्ट का ऑप्शन, ओके, ये रहा इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इस इंसर्ट के ऑप्शन में अब मेरे पास चार ऑप्शन है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट साइड में कॉलम चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस सेल में आपने क्लिक किया है, ठीक है, जैसे अभी हमने इंग्लिश वाली में क्लिक किया है तो इसके लेफ्ट साइड में कॉलम आ जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश के बीच में आएगा। अगर मैं करता हूँ इंसर्ट कॉलम टू द राइट तो इंग्लिश और जो ये वाली सेल थी मैथ्स वाली, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ इंसर्ट रो अबव तो इस इंग्लिश वाली सेल के ऊपर एक रो आ जाएगी, और ऐसे ही इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूँगा तो इस सेल के नीचे की तरफ एक रो आ जाएगी। तो जैसे अभी मुझे इंग्लिश और मैथ के बीच में चाहिए, मतलब इस इंग्लिश के राइट में चाहिए, तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक कॉलम मेरा आ गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट जो भी लिखना चाहूँ तो आईटी वो लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको इसी में बता दिया था। तो जहाँ भी चाहिए आप उस सेल पर राइट क्लिक कीजिए तो उसके लेफ्ट, अब आपको उस सेल के अबोव में चाहिए या बिलो में चाहिए तो ऑप्शन इंसर्ट में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यही ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिलते हैं, जैसे किसी भी टेबल में आप है लेआउट जो टैब आई है इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी वही ऑप्शन आपको मिल रहा है, इंसर्ट अबोव, यानी जो सेल सेलेक्ट है उस सेल के ऊपर एक क्या जाएगा, रो आ जाएगी। इंसर्ट बिलो, इसमें उस सेल के नीचे की तरफ एक रो आ जाएगी। इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ जाएगा। राइट में जो सेल सेलेक्ट है उसके राइट में एक कॉलम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो सेल सेलेक्ट है वो जिस भी कॉलम में आती है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो वो सेल जिस भी रो में आती है वो रो डिलीट हो जाएगी। और जिस डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पूरी टेबल ही डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आप उसमें नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं, नए कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
या उस टेबल में डेटा जो भी एंटर कराना है वो एंटर करा सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी सेल में। तो आज के वीडियो में इस फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो भी दो टैब अपीयर हुई थी टेबल्स के आने से, उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब सीखेंगे, मतलब कि फॉर्मेटिंग करना किसी टेबल की, ठीक है, तो वो सीखेंगे। ओके, सो लेट्स मीट्स इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।